आई हैव टू टेल एवरीबडी अबाउट माई डार्लिंग श्रद्धा. तो मैंने उनको इस उम्र से देखा है. तो आई रिमेम्बर इन ऊटी दैट शी वॉज वेयरिंग दिस पिंक फ्रॉक विथ अ पिंक लिटिल बो एंड शी वॉज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस. फिर शॉर्ट में ऐसे देख रही थी, पर वो जिस शौक से वो शॉर्ट देख रही थी दैट आई टोल्ड शक्ति जी कि आपकी बेटी बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी. क्या बात है, क्या बात है. मैं शॉर्ट नहीं, मैं इनको देख रही थी. मुझे करिश्मा मैम से एक बात करनी है. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आई वुड लव टू सी श्रद्धा एंड यू परफॉर्म टुगेदर. तो आप शिद्दत से दिल से चाहते हो वो हो जाता है लाइफ में. मैं बचपन में आईने के सामने इनके गानों पे इतना नाची हूँ, इतना नाची हूँ, और आज मुझे वो मौका मिला है. एंड मैं बहुत, आई डोंट थिंक कि मैं रिलीज के बारे में भी इतना नर्वस हूँ. नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है. मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता. आज हम बात करेंगे इंडियन बेस्ट डांसर सीजन 4 के बारे में. तो इसमें क्या है, मैं आपको इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की अपकमिंग मूवी आने वाली है. कौन सी? जी हाँ, स्त्री 2 आने वाली है. और इस मूवी के प्रमोशन के लिए वो अलग अलग रियलिटी शोज और काफी सारे शोज में जा रही हैं. लाइक ऐसा बिग बॉस OTT 3 में भी वो गए थे और साथ ही लाफ्टर शेफ में भी वो गए. इस तरीके के कई सारे शोज में वो नजर आ रही है. तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव आए हैं इंडियन बेस्ट डांसर सीजन 4 के सेट पे. और यहाँ पे जो श्रद्धा है, और मुझे उसी समय पे समझ आ गया, और मैंने शक्ति जी से उसी समय पे कहा था कि शक्ति जी देखिएगा आने वाले समय में श्रद्धा बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी. ये बातें सुनकर श्रद्धा तो थोड़ा सा शर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन हाँ सबने क्लैप किया. और साथ ही एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, क्या होता है कि जो गीता कपूर है वो बोलती है करिश्मा मैम मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ. वो बोलती है हाँ बताइए. तो बोलती है कि जब श्रद्धा भी है और आप भी है तो एक डांस आपका हो जाना चाहिए. फिर ऑन स्टेज जाते हैं श्रद्धा कपूर और करिश्मा. जी हाँ, करिश्मा और श्रद्धा जाते हैं और एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं. और जो गाना होता है वो करिश्मा की मूवी का ही होता है, दिल ले गई ले गई. और ये दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं. और लास्ट में जो है श्रद्धा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हुई कहती है कि कोई भी चीज़ होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं वो एक ना एक दिन कम्प्लीट ज़रूर होती है, पूरी ज़रूर होती है. जब मैं छोटी थी तो मिरर में मैम आपके गाने सुन के मैं इतना सारा डांस करती थी, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी तरीके से पूरी हो गई है. तो क्लिप में सिर्फ इतना ही है. आई होप आपने इंजॉय किया होगा क्लिप स्टार्टिंग में. और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.